कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था क्रेडिट रेटिंग का इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग, डेफिनेशन कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, उसका क्या अर्थ है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसको प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर अफेक्टिंग क्रेडिट रेटिंग, उसके फंक्शंस देखे थे कि वो कैसे कार्य करता है और उसके क्या क्या बेनिफिट या लाभ हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेटिंग, और हमने कल डिसएडवांटेज भी देखे थे या लिमिटेशन जिसको बोल सकते हैं कि उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। देखो दिख रहा है टाइप्स ऑफ क्रेडिट, टाइप्स ऑफ रेटिंग या टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग कितने प्रकार की हो सकती है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे एक शॉर्ट टर्म। तो क्रेडिट रेटिंग के क्या पड़ेंगे टाइप्स या कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग, कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग, फिर व्हाट एग्जैक्टली डू द क्रेडिट रेटिंग मींस, उसमें दिखा रहा है कि क्या क्या होता है, कैसे ए प्लस प्लस, जैसे हम लोग रेटिंग करते हैं या किसी को ग्रेड देते हैं उसके बारे में। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, या इसमें लिखा हुआ है बुक में टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग में दिखा रहा है। एक होता है ऋण पत्र या बॉन्ड्स रेटिंग, कमर्शियल पेपर रेटिंग, इक्विटी रेटिंग, स्थाई जमा की रेटिंग, ऋण शाख की रेटिंग, व्यक्तिगत रेटिंग, संघीय सरकारों की रेटिंग जिसको हम सॉवरेन रेटिंग बोल रहे हैं, और स्ट्रक्चरल ऑब्लिगेशन रेटिंग। देखो ये क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। रेटिंग मतलब क्या होता है कि वो जिस बेसिस पे क्या करते हैं उसको रेट करते हैं कि इसकी कितनी क्या होनी चाहिए, ग्रेड होनी चाहिए, कंपनी कितने हद तक अच्छे से काम करती है। हमने क्या देखा था कि क्रेडिट रेटिंग होने से दोनों को ही बेनिफिट हो रहा था, एक कंपनी को जिसकी रेटिंग हो रही है उसको भी और इन्वेस्टर को भी, उसका टाइम बच रहा है और कंपनी की क्या हो रही है, अगर रेटिंग अच्छी है तो उसकी ऑटोमेटिकली गुडविल बनती जा रही है, उसकी एक साख बनती जा रही है, उसको ज्यादा काम करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें बता रहे हैं सबसे पहले सॉवरेन रेटिंग में क्या बोल रहा है, संघीय सरकारों की रेटिंग बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोल रहा है कि केंद्रीय सरकार व संघीय सरकार एक पृथक एवं समग्र इकाई के रूप में रेटिंग इस रूप में के अंतर्गत करती है, जब किसी देश में बृहत विदेशी निवेश अथवा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण अपेक्षित होता है तब इस प्रकार की रेटिंग की आवश्यकता होती है। ऐसी रेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड पुअर S&P तथा मूडीज नामक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत के मामले में समय समय पर सॉवरेन रेटिंग प्रकाशित की जा रही है। क्या बोल रहे हैं, सॉवरेन रेटिंग क्रेडिट रेटिंग इज द क्रेडिट रेटिंग ऑफ सॉवरेन एंटिटीज दैट इज अ नेशनल गवर्नमेंट, जैसे ये भी बता रहा है द सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट द रिस्क लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट ऑफ अ कंट्री एंड इट यूज्ड बाय इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट अब्रॉड, इट टेक्स पॉलिटिकल रिस्क इनटू अकाउंट। किसके द्वारा होती है, जनरली सरकारों के, जब क्या होता है बोल रहे हैं संघीय सरकारों की रेटिंग होती है। ऐसी रेटिंग जनरली मूडीज नामक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा इंडिया की बात कर रहा है या फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P के द्वारा की जाती है। शॉर्ट टर्म रेटिंग से क्या समझ में आ रहा है, कम समय के लिए जो रही अल्प अवधि के लिए जो रेटिंग कर रहे हैं। अ शॉर्ट टर्म रेटिंग is a probability factor of an individual going into default within a year. This is a contrast to long run rating which is evaluated over a long time frame. In the past, institutional investor preferred consider long term rating. Nowadays, short term rating are commonly used. क्या बोल रहा है कि short term हमको समझ में आ रहा है word से, short term के लिए हो रही है और long term किसके लिए, long term के लिए। फिर क्या बोल रहा है, जो कम समय के लिए होगी वो शॉर्ट टर्म होगी और जो लंबे समय के लिए करेंगे वो, तो पास्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रेफर्ड किसको करते थे, लॉन्ग टर्म रेटिंग को, लेकिन अभी लोग किसको करते हैं, कॉमनली यूज शॉर्ट टर्म रेटिंग, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है कंपनी की सिचुएशन चेंज होती जाती है, इसीलिए वो क्या बोलता है कि शॉर्ट टर्म होगी तो हमें टाइम टू टाइम उसकी सही इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। जैसे इसमें बोल रहा है अब एक था ऋण पत्र
या बॉन्ड्स रेटिंग, बॉन्ड्स की रेटिंग जैसे हमने क्या देखा था उसके लिमिटेशन में, हमने देखा था कल क्रेडिट रेटिंग की लिमिटेशन में हमने डिस्कस किया था कि वो क्या करते हैं, कुछ दो चार चीजों को ही क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से कई बार किसी किसी कंपनी की रेटिंग क्या आ जाती है, खराब आ जाती है, जिसमें क्या समझ लेते हैं वो इक्विटी को ले रहे हैं या फिर वो कमर्शियल पेपर को ले रहे हैं या फिर वो बॉन्ड्स को ले रहे हैं, और हो सकता है उस पर्टिकुलर कंपनी का वही एक मेन क्या बोलते हैं उसमें वो काम ना करते हो तो उनकी रेटिंग खराब आ जाती है, एक लिमिटेशन थी। तो वही बता रहे हैं कि एक टाइप में क्या होता है, ऋण पत्र या बॉन्ड्स रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग का यह प्रचलित प्रारूप है जिसमें वित्तीय संस्थानों के बॉन्ड तथा कंपनियों के ऋण पत्रों की रेटिंग की जाती है। एक कमर्शियल पेपर रेटिंग होती है, कमर्शियल पेपर रेटिंग में क्या होता है, अल्प अवधि कोष प्राप्त करने के लिए सीपी एक नवीन प्रचलितम माध्यम है, मतलब एक क्या है पॉपुलर मीडियम क्या है, लोग क्या करते हैं कमर्शियल पेपर लेते हैं, जिसका जनवरी 1990 में क्या हुआ था, यूज होना स्टार्ट हुआ था। सीपी के निर्गमन के लिए CRISL की न्यूनतम, हमने कल डिस्कस किया था ये क्या है कि न्यूनतम P2 अथवा ICRA की न्यूनतम A2+ रेटिंग होना अनिवार्य है। तो क्या बोल रहा है कि कमर्शियल पेपर की के टाइप से भी एक इक्विटी रेटिंग होती है, फिर एक किसके थ्रू होती है, उसकी इक्विटी रेटिंग होती है। कंपनियों द्वारा निर्गमित समता अंशों की रेटिंग का यह प्रारूप अभी तक भारत में प्रचलित नहीं है। फिर मेन जो हमने पढ़ लिए है वो है फिर कोई स्थायी जमा किस उसकी कितनी पूंजी है उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं उसकी रेटिंग करते हैं, तो स्थायी जमा रेटिंग हो जाएगा। फिर ऋणी की साख रेटिंग, ऋणी की एक संपूर्ण इकाई के रूप में रेटिंग इस श्रेणी में आती है जब ऋणी व्यक्ति, निगम या संस्था या कोई भी, कोई कंपनी, कंपनी कोई भी हो सकता है, भारत में ऋण प्रतिभूति की रेटिंग की जाती है ना कि ऋणी की रेटिंग की जाती है। यद्यपि ऋण प्रतिभूति की रेटिंग निर्धारित करते समय ऋणी की साख प्रतिष्ठा को ध्यान में दिया जाता है, परंतु ऋणी की एक इकाई, एक पृथक इकाई की भांति रेटिंग नहीं कराई जाती। क्या बोल रहा है कि जो भारत है यहाँ पे क्या होता है, भारत में ऋण प्रतिभूति की रेटिंग की जाती है ना ही ऋणी की रेटिंग की जाती है, इसलिए क्या करना है ऋणी की साख की रेटिंग करना है। तो ये सब क्या है, हमने टाइप देखे, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कॉर्पोरेट रेटिंग, कॉर्पोरेट रेटिंग किस टाइप से होती है, द कॉर्पोरेट रेटिंग ऑफ अ कॉर्पोरेशन इज अ फाइनेंशियल इंडिकेटर टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड, जिसके हम अभी बात कर रहे थे, क्रेडिट रेटिंग यूजुअली ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज बॉन्ड रादर देन द होल कॉर्पोरेशन एंड हैव लेटर डेजिग्नेशन सच एज ABC। The standard and poor rating scale is follows from excellent to poor. Excellent से poor की तरफ जाते हैं। अगर किसी को AAA मिलता है मतलब वो best है, A++, AA, A-, AA-, A+, A, A-, फिर BBB+, ये सब तो हमको पता है कि अगर AAA है मतलब वो excellent है, फिर AA+ है तो मतलब वो ठीक very good है, ऐसे standard से excellent किससे किसकी तरफ जा रहा है, poor की तरफ, A फिर B फिर सी की बात करें। एनीथिंग लोअर देन BBB- रेटिंग इन कंसीडर एज स्पेकुलेटिव और जंक बॉन्ड, ऑब्वियस है जो जाएगा। आप देखो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, अगर ट्रिपल ए है, दो कंपनी जिनकी हम बात कर रहे थे जो क्या करती हैं, जो इंडिया में जनरली क्या करती हैं क्रेडिट रेटिंग के लिए एजेंसीज हो यूज की जाती है, वो कौन सी है, मूडीज और S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, उनके अकॉर्डिंग ट्रिपल ए का क्या बोल रहा है, हाईएस्ट क्वालिटी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फिर अगर AA+ है तो हाई क्वालिटी वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी, AA है तो टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इट फ्रॉम डिफर फ्रॉम। फिर अगर AA- है तो क्या बोल रहा है, टॉप लाइन रेटिंग ओनली इन स्मॉल डिग्री, अगर A+ है तो हाई क्वालिटी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, सिर्फ ए है तो, बट इट समहाउ मोर सस्पेक्टेबल टू द एडवर्स इफेक्ट। फिर सिर्फ A- है ऑफ चेंज इन सर्कमटेंसेस इकोनॉमिक कंडीशन। फिर अगर बी है तो बी के बारे में बता रहा है, BBB+ है, B+ है। अब देखो यहाँ से B- से शुरू करते हैं, अगर B- में क्या बोल रहा है, लाइकली टू लीड अ वीकेंड कैपेसिटी टू मीट फाइनेंशियल
कमिटमेंट, फिर लोअर मीडियम स्केल की बात कर रहे हैं, लेस वैल्यूएबल्स हैं, फिर ऑनगोइंग अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो जाती है, अगर बी बी आ रहा है फिर बी बी माइनस आ रहा है, बी प्लस आ रहा है, तो वहां से पुअर रेटिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और डी जा रहा है तो देखो सी में बोल रहा है पुअर क्वालिटी, करंटली हाई वो दिखा रहा है, फिर सी में तो एकदम ही दिखा रहा है फेल टू पे वन और मोर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो ये इस तरीके से हमने क्या देखे, टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग, कि हम किसी भी कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट की जब रेटिंग की जाती है तो किस बेसिस पे उसकी रेटिंग की जाती है, हम क्या देखते हैं कि उस कंपनी की क्या सी सिचुएशन है, वो कितना किस उसके क्या बॉन्ड्स हैं, क्या इक्विटी है, क्या उसकी जमा पूंजी है, व्यक्तिगत रेटिंग भी होती है, तो उस उन्हीं रेटिंग के हिसाब से वो उनको क्या देते हैं, ऐसे रेट्स देते हैं कि ट्रिपल ए दिया, ए प्लस प्लस, और ये क्या इंडिकेट करते हैं, अगर ट्रिपल ए है तो हाईएस्ट क्वालिटी, ऐसे इस बेसिस पे क्या करते हैं लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसी बेसिस पे कंपनी को क्या मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्लियर है? ये देखो दिखा रहा है टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज है पर टॉप एजेंसीज में ये दिखा रहा है डन एंड ब्रांड शीट, मोडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच रेटिंग। देखो इंग्लिश हिंदी में भी, हिंदी मीडियम की बुक है मेरे पास, उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है, मूडीज को मूडीज ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो नाम है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और भी अदर एजेंसीज हैं भारत में, ये मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर ज्यादा वर्क करते हैं। अब क्या बोल रहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया, ये सब उनके बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेशन सर्विस, ये हमने जिसके बारे में कल भी पढ़ा था, एक इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट एजेंसी है जो वर्क करती है, क्रेडिट एनालिसिस है, और क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये सब क्या काम करती हैं, एक क्या हुआ था, एक जब हम ये सब क्रेडिट रेटिंग या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ये समय किसकी रिक्वायर्ड हो, रिक्वायरमेंट हो रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के पर्पस से इन्वेस्टर को और कंपनी को उससे कितना बेनिफिट होगा, उसके लिए हम क्रेडिट रेटिंग करते हैं। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं जनरली देखा जाए तो ये किससे रिलेटेड है, अगर मैं देखूँ तो इंटरनेशनल जब हम ट्रेड करते हैं तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंटरनेशनल ट्रेड की के लिए क्या किए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वैसे ही क्या हो, ये क्या है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, जैसे ये बता रहा है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड, ये क्या काम करती है, ये एक एजेंसी है जो किसके अंदर आती है, अकाउंट के अंदर आती है। अकाउंट क्या है ये, एक क्या है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जब IMF बनाया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तभी एक क्या की गई थी, एक सम्मेलन जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस, उसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, जिसमें इंटरनेशनल जो भी ट्रेड्स होते हैं जो उनको क्या करने के लिए प्रॉपर तरीके से हों, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको कौन सुलझाएगा, उनके एग्रीमेंट कौन कराएगा, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी अकाउंट। और अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वो क्या वर्क करती है, उसकी जो भी मेंबर कंट्रीज होती है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी उसकी कुछ क्या होती है कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज होती हैं, ऐसी अकाउंट होता है, अकाउंट की अकाउंट क्या होता है, वो एक क्या है क्या बोलते हैं, एक एक टाइप की कॉन्फ्रेंस है या एक क्या है इंस्टीट्यूट है जो क्या है इन सब इंस्टीट्यूट इन छोटे छोटे किनसे एजेंसीज से मिलके बना है या उसका स्ट्रक्चर इनसे मिलके बना होता है, उसी बेसिस पे क्या करते हैं हम काम करते हैं। जैसे ये CRISIL क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंडिया लिमिटेड, ये क्या करता है उसी के अंतर्गत आता है और ये काम करता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया ICRA, वो भी उसी के अंदर आता है। तो ये सब क्या करते हैं, काम करते हैं उनके लिए, उनसे मिलकर बनते हैं। अब इसकी मेथडोलॉजी जिसके बारे में मैं कल डिस्कस कर रही थी कि इसकी विधि कैसी होती है, इसकी क्या विधि होती है, किसकी
रेटिंग की क्या प्रोसेस होती है बोलना चाहिए, या रेटिंग की क्या मैथडोलॉजी होती है। तो क्या बोल रहा है कि कंसिस्ट ऑफ फोर एरियाज, ये चार एरियाज को क्या करता है, मेनली कवर करता है। ICRA अपने मूल्यांकन एवं अनुसंधान कार्य में सभी संबंधित पहलुओं जैसे उद्योग, व्यवसाय, प्रबंध, वित्तीय, क्रियात्मक श्रेष्ठता, तुलनात्मक स्थिति, भविष्य में आय संभावना, रोकड़ प्रवाह एवं दायित्व एवं दावे का अध्ययन करती है। एक कुछ प्रमुख विलक्षणों या विशेष विश्लेषणों के आधार पर इसको विस्तार से समझा जा सकता है। सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, क्या बोल रहा है, बिजनेस एनालिसिस, या जिसको बोल सकते हैं व्यावसायिक एनालिसिस। कैसे करते हैं, कवर ऑल एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिस्क, मार्केट पोजीशन इन द कंट्री, ऑपरेटिंग इफिशियंसी ऑफ द कंपनी एंड लीगल पोजीशन। मेथोडोलॉजी क्या होती है रेटिंग करने की, हमने टाइप देख लिए, इतने टाइप से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भी, किसी भी कंपनी की अगर मुझे रेटिंग करनी है तो उसकी क्या मेथड अपनाएंगे, उसका बिजनेस का एनालिसिस करेंगे, उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे कि उस कंपनी की वित्तीय मूल्यांकन करेंगे कि वो फाइनेंशियली कैसे काम करती है, एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग क्वालिटी, अर्निंग, प्रोटेक्शन, कैश फ्लो एडिक्वेसी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कैसी है। उसके बाद मैनेजमेंट का एवेल्युएशन करेंगे कि मैनेजमेंट ठीक से काम करता है या नहीं करता है। स्टडी ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट कैपेसिटी टू ओवरकम एडवर्स सिचुएशन, गोल्स, फिलोसफी एंड स्ट्रेटेजी। जैसे हमने, जब मैं आपको पोर्टफोलियो कंसल्टेंट की बात कर रही थी या पोर्टफोलियो मैनेजर की बात कर रही थी कि जॉबर पोर्टफोलियो कंसल्टेंट कौन होते, तो हमने जो हमने NSC BSC पढ़ा तब भी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज, जब कोई पर्सन क्या करता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्रेडिट रेटिंग को देख रहा है। तो क्या होता है उसमें, एक पॉइंट ये भी आता है कि मैं देखती हूँ कि इस कंपनी में सारे पुराने इम्प्लॉयज हैं, इसका मैनेजमेंट बहुत पुराना है, मतलब ये कंपनी को बहुत अच्छे से जानता है। ये सारी स्ट्रेटेजी कंपनी की पुरानी, और मतलब कंपनी में पहले भी कुछ, जब भी कोई बिजनेस रन होता है तो उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं, तो वो क्या करता है पूरी तरीके से, उसको पता है कि जब कंपनी की ऐसी सिचुएशन आएगी तो इससे कैसे बाहर निकलना है, अभी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो वो बहुत पुराना है तो उसको सारी चीज़ों का नॉलेज है। तो मैनेजमेंट कितना स्किल्ड है, कितना उसके पास बोलना चाहिए नॉलेज है, वो जितनी एडवर्स सिचुएशन से क्या कर सकता है, निकल सकता है। और अगर हम देखते हैं कि किसी कंपनी का मैनेजमेंट बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। तो हम क्या करते हैं, उसके मैनेजमेंट को भी इवेल्युएट करते हैं क्रेडिट रेटिंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सपोज मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले मैं उसके ट्रैक रिकॉर्ड में चेक करती हूँ कि कंपनी टेक्निकली कितनी साउंड है, फाइनेंशियली कितनी साउंड है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। तो क्या बोल रहा है कि रेटिंग एनालिसिस भी इसी बेसिस पे होता है कि वो बिजनेस कैसे करता है, उसका कितना रिस्क है, उसकी क्या पोजीशन है कंट्री में, उसका कंपनी का लीगल पोजीशन क्या, उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे कि उसकी क्या फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी क्या क्या बोलते हैं अकाउंटिंग क्वालिटी है, फिर उसका मैनेजमेंट एवेल्युएट करेंगे कि उसका मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एडवर्स सिचुएशन में कैसे बाहर निकलता है, फिर उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, इंटरेस्ट एंड सेक्स सेंसिटिविटी। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, उसके व्यवसाय के लिए जांच के लिए क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि कैसा है, इवेल्युएट कर रहे हैं या मूल्यांकन कर रहे हैं उसके व्यवसाय का, उसके वित्त का, उसके प्रबंध का, या प्रबंध के साथ साथ बोल सकते हैं उसके प्रवर्तकों का भी, प्रमोटर्स का भी हम क्या करते हैं, उसके चेक करते हैं कि उसके प्रमोटर्स जो, उनकी क्या योग्यता है, वो कंपनी में कितना टाइम से जुड़े हुए हैं, उन सब का क्या करते हैं, मूल्यांकन और विश्लेषण करते हैं। और फिर उसका क्या करते हैं हम लोग, फंडामेंटल जो उनका बेसिस होता है वो कैसा है, उनकी क्या एसेट क्वालिटी है, कैसे वो काम करते हैं, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करते हैं। तो हमने डिस्कस किया सबसे पहले टाइप्स,
टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, फिर बेनिफिट हम कल डिस्कस कर चुके थे, डीमेरिट भी, फिर हमने देखा कि टॉप एजेंसीज कौन सी है इंडिया में, हमें पता है मूडीज एंड स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वर्क करती हैं, फिर ये कुछ इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में बता रहा है, मैथडोलॉजी के बारे में हमने ये डिस्कस किया। अब हमने ये क्या किया, ये इन सबको एनालिसिस करती है, पर क्या इसकी प्रोसेस होती होगी वो हम देख लेते हैं। अब प्रक्रिया जिसको बोलते हैं कि किस प्रोसेस में या किस प्रक्रिया में क्या करती है, ये काम करती है, क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड देन एनालाइज बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल इज एन एजेंसी। पर्टिकुलर किसी एजेंसी की बात करें तो वो क्या करेगी, वो चार बेसिस रखेगी कि उसका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उसका क्या बिजनेस का बैकग्राउंड है, उसका क्या फंडामेंटल है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, सारी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। तो सबसे पहले क्या करती है, कलेक्ट करती है, उसके बाद क्या कर रही है, इफ नेसेसरी मीटिंग विथ टॉप मैनेजमेंट सप्लायर्स एंड डीलर्स एंड अ विजिट टू द प्लांट ऑफ प्रपोज्ड साइट आर अरेंज्ड टू कलेक्ट एडिशनल डेटा, दिस टीम ऑफ प्रोफेशनल सबमिट देयर रिकमेंडेशन और टू द रेटिंग कमिटी। क्या बोल रहा है कि अगर जरूरी लगता है, उसने डेटा कलेक्ट किया फिर भी उसको जरूरी लग रहा है, तो वो उसके मैनेजमेंट से, सप्लायर से, डीलर से, उसके प्लांट पे जाके विजिट करेगा और डेटा को कलेक्ट करने के लिए। फिर कमिटीज डिस्कसेस दिस रिपोर्ट एंड देन असाइन रेटिंग। जब हमको सारा डेटा मिल जाएगा, जो भी उससे रिलेटेड डेटा है, उस पर कमेटी क्या करेगी, डिस्कस करेगी, डिस्कस करने के बाद रेटिंग असाइन करेगी, रेटिंग असाइन देन नोटिफाइड टू द इशुअर एंड ओनली ऑन हिज एक्सेप्टेंस रेटिंग इज पब्लिश्ड। पहले हम रेटिंग को देखेंगे सारे बेसिस के, क्योंकि हमने तो सारी क्या किया है, एनालाइज किए हैं सारी चीज़ें। जस्ट बिकॉज मैंने एनालाइज किए तो मेरे पास क्या होंगे, उसके फैक्ट्स होंगे, फैक्ट होंगे तो हम क्या करते हैं, उस बेसिस पे कमेटी क्या डिस्कस करती है और रिपोर्ट बनाती है। लेकिन वो इस रिपोर्ट को किसको दिखाती है, इशुअर को दिखाती है, जब वो उसको एक्सेप्ट करता है तभी वो क्या करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, अश्योर कॉन्फिडेंशियली ऑफ द इंफॉर्मेशन, अश्योर करते हैं कि जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको अपने पास रखेंगे। वंस द इशुअर डिसाइड टू यूज एंड पब्लिश द रेटिंग, एजेंसी हैज टू कंटिन्यूसली मॉनिटर इट ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सर्विलेंस। तो क्या बोल रहा है, देखो अब हिंदी में बता देती हूँ। सबसे पहले कंपनियों द्वारा श्रेणियों के लिए प्रार्थना, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा यह काम एक समूह को सौंपना, एक क्या मिलेगा, एक ग्रुप को ये काम मिलेगा। वो ग्रुप क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा जो हम यहाँ से देख रहे हैं। सबसे पहले वो एक क्या करता है, प्रार्थना करता है कि मतलब एप्लीकेशन के लिए, उसके बाद वो एक ग्रुप को काम दिया जाएगा, फिर वो ग्रुप क्या करेगा, सबका निरीक्षण करेगा, समूह द्वारा कंपनी का द्वारा तथा निरीक्षण करना, आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना तथा प्रबंध की बैठकें बुलाना, रिपोर्ट को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के वरिष्ठ कार्यकारियों के पास पहुंचाना, विचार विमर्श के बाद क्रेडिट का निर्धारण करना। जब वो लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे सारे फाइंड्स फैक्ट, जो भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किए होंगे उसके बेसिस पे, फिर विचार विमर्श के बाद रेटिंग का निर्धारण करना, अंतिम निर्णय के लिए रेटिंग को वह समिति के पास भेजा जाता है, रेटिंग कंपनी को संचारित करना, वो अगर स्वीकृति नहीं देगी तो नहीं होगी, और अगर वो बोल देती है, स्वीकृति दे देती है, तो फिर हम क्या कर देते हैं, उसको पब्लिश कर देते हैं और फिर कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, उस बेसिस पे उसकी रेटिंग को फिर चेंज किया जाता है। क्लियर है, हमने क्रेडिट रेटिंग में क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हमने इसका मीनिंग देखा कि क्या होता है क्रेडिट रेटिंग, इसकी क्यों, फिर उसके बाद हमने देखा इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्रेडिट रेटिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं किसी भी काम, और फिर हमने देखा कि क्रेडिट रेटिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्रेडिट रेटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर क्रेडिट रेटिंग के टाइप्स हमने आज डिस्कस किए, क्रेडिट रेटिंग के टाइप्स के बाद हमने उसके
कार्य को डिस्कस किया था कि फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, उनका मेन फंक्शन क्या है, उसके बाद उसके एडवांटेज देखे थे टू द इन्वेस्टर, टू द कंपनी, विनियोक्ताओं को क्या लाभ होते हैं और निर्गमनकर्ता को क्या लाभ होता है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, फिर कुछ डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज थे, फिर कौन कौन सी टॉप क्रेडिट एजेंसीज हैं जो इसके लिए वर्क करती हैं, फिर ये एजेंसीज बता रहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फिर हमने कहा था मैथडोलॉजी क्या होती है, कौन सी मैथड क्या किस चीज को बेस बनाते हैं क्रेडिट रेटिंग करने के लिए, तो हमने देखा कि चार मेन एरियाज है जिनको वो क्या करते हैं बेस बनाते हैं मैथडोलॉजी में, बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, मैनेजमेंट इवेल्युएशन, फंडामेंटल एनालिसिस, इस बेसिस पे वो क्या करते हैं रेटिंग करते हैं, और उनकी प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले वो एप्लीकेशन देगा, फिर उसके लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा या एक प्रोफेशनल की टीम बना जाएगी, वो टीम क्या करती है डेटा कलेक्ट करती है, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो मैनेजमेंट से मिलेगी, प्लांट में जाएगी, कंपनी को पूरा विजिट करेगी, फिर जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन होगी वो एक कमेटी के पास जाएगी, वो उस पर डिस्कस करके एक रिपोर्ट बना के एक रेटिंग देंगे, उस रेटिंग को फिर उनके जो भी टॉप मैनेजमेंट के कार्यकारी जो अध्यक्ष होते हैं एजेंसी के उनके पास जाती है, फिर वो और डिस्कस करते हैं और उसको क्या करते हैं रेटिंग एक पब्लिश करते हैं, कब पब्लिश करते हैं जब इश्यूअर जो होता है वो उसके लिए क्या बोलता है एक्सेप्ट करता है, फिर वो उसको चेक करते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये हमने क्या डिस्कस किया क्रेडिट रेटिंग, क्लियर है सभी को।